देश और दुनिया इन दिनों कोविड-19 के महामारी से दो चार होती जा रही है। कोरोना वायरस कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की जाए तो यहाँ भी कोरोना से पीड़ितों की संख्या 1500 से पार हो चुकी है और आए दिन कोई न कोई नया मामला भी सामने आ ही रहा है। उसको देखते हुए अब प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि इन दिनों अनलॉक 2 के तहत अब राज्य भर में आवाजाही धड़ल्ले से हो रही है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। HRTC की बसें पूरे प्रदेश में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच रही हैं। इन बसों में आम से लेकर खास आदमी भी सफर कर रहा है। कई मर्तबा बॉर्डर क्रॉस कर हिमाचल आ रहे लोगों को भी इन्हीं बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में इन बसों में कोरोना का खतरा ज्यादा देखा जा रहा है। बावजूद इसके HRTC ने अपने तमाम रीजनल मैनेजर को कोविड-19 को लेकर जारी एडवाइजरी पर गौर करने और सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश दे रखे हैं, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए कोरोना कम्युनिटी तक न पहुंचे। यही वजह है कि अब तमाम बसों को रूट पर भेजने से पहले हर बस को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। धर्मशाला स्थित HRTC डिपो के रीजनल मैनेजर पंकज चड्डा की माने तो धर्मशाला से राजधानी शिमला तक 40 से 50 रूट काम कर रहे हैं। इस वक्त उनके सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस महामारी को रोका जाए और लोगों को ट्रांसपोर्ट सुविधा भी प्रदान की जाए। बावजूद इसके वो अपने स्तर पर जो संभव हो पा रहा है कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी को फैलाने से रोका जा सके। चड्डा ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कांगड़ा और धर्मशाला डिपो से कोई भी बस बिना सैनिटाइजिंग के रूट पर नहीं निकलनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। वर्तमान में धर्मशाला यूनिट के 40 और 45 के करीब में हम रोजाना रूट संचालित कर रहे हैं, और जो हमारे पास धर्मशाला बस स्टैंड और कांगड़ा बस स्टैंड जो है, यहाँ पर हमने सैनिटाइजेशन की टीमें लगाई हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 100 से 125 गाड़ियां धर्मशाला बस अड्डे में सैनिटाइज की जा रही है रोजाना, और 100 के करीब ही 90-100 के करीब गाड़ियां कांगड़ा बस स्टैंड पे सैनिटाइज की जा रही है। और मैंने जो हमारे अड्डा इंचार्ज हैं, उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी गाड़ी जो बस स्टैंड से रूट पे चलती है, कहीं से आती है, वो बिना सैनिटाइज किए हुए द्वारा रूट पे ना जाए। और उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि इसका जो भी कोविड की इंस्ट्रक्शन है उनका पूरी पालना हो, ताकि इस महामारी से बचा जा सके।